जननायक जनता पार्टी की ओर से फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिराज राणा कर रहे थे। तो बता दें कि फरीदाबाद में 45 वार्ड हैं, लेकिन नगर निगम चुनाव की तैयारी को लेकर हुई इस बैठक में जेजेपी से चुनाव लड़ने वाले 45 उम्मीदवार भी जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुए। तो एक तरफ जहां नगर निगम चुनाव को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हो रही थी किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए उस पर मंथन चल रहा था, और दूसरी तरफ इस बैठक से जो 45 उम्मीदवार हैं, जो 45 सीटों के उम्मीदवार हैं, वो तक शामिल नहीं दिखे। निरंतर आप बढ़त करते जा रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, आज निकाय प्रकोष्ठ की मीटिंग है, क्या कुछ खास रहा? आज हमारे ऋषिराज राणा जी यूआरबी के स्टेट प्रेसिडेंट फरीदाबाद में आए हैं और निकाय के चुनावों को लेकर वो मीटिंग लेंगे, और कोशिश यही है कि 40 के 40 जो हमारे वार्ड हैं उसके अंदर से हम मजबूत प्रत्याशी निकाल कर लेके आएँ और मजबूती से तैयारी करें, और जेजेपी का फरीदाबाद में परचम लहराने का प्रयास है। जगरदार, जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं, जब से निरंतर लोग पार्टी को ज्वाइन करने लगे, पढ़े लिखे खासकर डॉक्टर जैसे लोग पार्टी में आने लगे आपके आने के बाद, क्या कुछ खास कहेंगे? सबसे बड़ी बात है ये पार्टी की नीतियाँ हैं, लोगों का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी में, दुष्यंत जी में विश्वास है, और दुष्यंत जी की जो कार्य प्रणाली है उसको लोग देख के प्रभावित होते हैं, और ख़ासतौर पर जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो उनकी नीतियों को और उनकी कार्यशैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो इसलिए लोग खुद संपर्क कर रहे हैं पार्टी में आने के लिए, और पार्टी के दरवाजे खुले हैं और खुले दिल से सब लोगों का स्वागत करिए। तो सहयोगी रिंकू जो है इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिंकू, बैठक हो चुकी है नगर निगम चुनाव को लेकर, बैठक में तमाम तरह की चीज़ों पर मंथन भी होगा, क्या कुछ अहम जानकारी जो है इस बैठक के बाद निकल कर सामने आई, सबसे पहले वो बता दीजिए। पार्टी की ओर से फरीदाबाद में लगातार नगर निगम चुनाव की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं कर ली गई है। ऐसे में बैठक में जब आयोजन किया गया तो वहां पर 46 के 46 जो पार्षद है वो मौके पर मौजूद नहीं मिले। ऐसे में जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। ऐसे में बलराज शिवराज और राणा प्रदेश अध्यक्ष वो मौके पर थे, और किशन जाखड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हमने पूरी तैयारी जो है वो कर रखी है। तो रिंकू, ये किस तरह की तैयारी है, जो जिनके जिन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना है वो उम्मीदवार ही इस बैठक में मौजूद नहीं है, किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या वजह क्या रही कि ये तमाम उम्मीदवार जो इस बैठक से दूर नजर आए? नगर निगम जब चुनाव होने की देरी में लगे हुए हैं और चुनाव जब नजदीकी आएंगे तो कहीं ना कहीं नए नए चेहरे जो है वो देखने को मिलेंगे। ऐसे में अब जब आज इस बैठक का आयोजन किया गया तो ऐसे में एक भी जो पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एक भी मौजूद नहीं था। इसमें ये देखा गया, जब मीडिया ने इनसे सवाल जवाब पूछे तो कहा कि इस प्रोग्राम में हमने किसी भी पदाधिकारी या किसी भी पार्षद को नहीं बुलाया है। तो रिंकू जी, सवाल तो यही फिर वहीं आकर अटक जाता है ना कि जब आप पार्षदों को बुला ही नहीं रहे हैं, आप तमाम जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें बुला ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये तैयारी किस बात की, आप मंथन किस चीज को लेकर कर रहे हैं? उम्मीदवारों को अगर पता ही नहीं है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है तो फिर आप किस तरीके से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? मीटिंग रखी गई थी जहां पर जनजायक पार्टी द्वारा नगर निगम चुनाव को लेकर वही अनेक तरीके की जो तैयारियां हैं, या कहें कि जो गठबंधन की तैयारी कर रहे थे उनको लेकर अब ये अपने सिंबल पर लड़ाने की तैयारी जो है वो जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया रिंकू तमाम जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद से ये तस्वीरें सामने आई जहां नगर निगम चुनाव है, लेकिन सबसे अहम तस्वीर ये थी कि जो जेजेपी तैयारी एक तरफ कर रही है नगर निगम चुनाव को लेकर, तो दूसरी तरफ इस बैठक से जो तमाम प्रत्याशी हैं वो दूर हैं। पार्टी का कहना है कि ये बैठक जो काफी कॉम्पैक्ट थी, सिर्फ पदाधिकारियों को रखा गया था कि किस तरीके से नगर निगम चुनाव लड़ेंगे, तो सवाल यही आकर अटक जाता है कि इस बैठक से अगर आप प्रत्याशी को ही दूर कर देंगे तो फिर आप प्लान बनाते हैं उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, प्रत्याशी इस पर इंप्लीमेंट कैसे